इसका मतलब आज सारा दिन ऑफिस में यही चल रहा था तुम्हारे जहन में। मैं समझ गई थी जरूर कोई अहम बात होगी जिससे परेशान हो रहे हो। तो वो बरसों बाद वापस आ रही है ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, है ना? क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? मेरी अकल तो ये बात समझने से कासिर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये बर्दाश्त नहीं करती। उसे तुम्हारे जैसा शौहर मिला और उसने तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं की। मगर तुम्हारी दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं करना चाहता मैं इस बारे में। नहीं, मैं मायरा के बारे में सोच रही हूँ। वो वापस आके मायरा को कंफ्यूज कर देगी। तुम सोचो जरा, वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लौट आएगी जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था, सब ठीक है। उसने क्या समझ रखा? अच्छा बस बस बहुत हो गया, अब खत्म करो ये सब। सरकार अंकल। मायरा मेरी जान, कैसी हो तुम? सुना है खूब शरारतें करती हो आजकल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सारकान, शरारतें करना तो इसका पसंदीदा काम है। हाँ मेरी जान। यहाँ ठहरिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आराम से, भागो मत। तो तुम भी हो यहाँ? हाँ मैं भी हूँ यहाँ। हाँ तैयार हो जाओ, चलते हैं फिर। मैं यहाँ से चलती हूँ, बहुत देर हो रही है मुझे। चाहो तो तुम भी साथ आ सकती हो। नहीं बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक तो इसकी हरकतों से थक चुका हूँ मैं। मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। अच्छा सुनो मेरे भाई, मेरी एजेंसी वालों से बात हो चुकी है। हम एक अच्छी सी जगह पे बैठ के बात करेंगे, और अगर तुम नहीं आए तो बहुत बुरा लगेगा। ये देखिए, आपको पसंद आया? अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा है ये। माहिरा मुझे तो बहुत पसंद आया। ये मैंने अम्मी के लिए खरीदा है, वो मेरी बर्थडे पे आने वाली ना, इसलिए। क्या क्या आप उनका आखिरी खत देखना चाहेंगे? तुम ये खत इन्हें बाद में दिखा देना, क्योंकि अभी हमें बहुत जरूरी बात करनी है। जी हाँ बिल्कुल, हमें जरूरी बात करनी है इस वक्त। ठीक है, मैं वो तस्वीरें लेकर आता हूँ, तुम खामोशी से बैठना, ठीक है? बहुत शरारती हो गई, वैसे ये लिया कहाँ से तुमने? हम आपसे माफी चाहते हैं कि रात के इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा काम तो तकरीबन खत्म हो गया। आइए वहां बैठते हैं। तहसीन साहब, मेरा बेटा आपकी बहुत तारीफ करता है, बहुत भरोसा करता है आप पर। बहुत खूब, हम भी इसका बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मेरे बेटे ने रियल एस्टेट का काम शुरू करते वक्त आपसे कुछ रकम उधार ली थी, हम आपका वो कर्ज लौटाना चाहते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं भी 3 महीनों से इसके पीछे पड़ा हूँ शौकत साहब। मुझे कुछ जगहों पे फौरी पेमेंट करनी थी, उस वक्त बहुत परेशानी थी मुझे, मेरे पास उस वक्त कैश नहीं था। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बदकिस्मती से मुझे उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस में डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है तहसीन भाई, हम वादा करते हैं कि आपका उधार चुका देंगे। ओ क्या वाकई? इसका मतलब तुम 2 लाख लाए हो अपने साथ? क्या 2 लाख? बेटा तुमने तो 50,000 का कहा था। हाँ इतने ही थे बाबा। अरे नहीं शौकत साहब, अब तो पूरा साल गुजर चुका है और आपके बेटे ने अब तक 1 कौड़ी भी नहीं दी मुझे, और मेरे ख्याल में आप इंटरेस्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे। रुके एक मिनट, रिफत ने जिस पेपर पे साइन किए थे वो लेकर आता हूँ। ये देखें, ये रहे वो साइन किए हुए पेपर। हम कोई काम गैर कानूनी तरीके से नहीं करते, तमाम काम कानूनी तौर पर करते हैं। ये क्या किया तुमने? इस बारे में मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, कि ये इतना बढ़ कैसे गया। ऐसे कामों के लिए अकल चाहिए होती है बेटा, जो तुम में नहीं। शौकत साहब, आपकी कॉफी शॉप जिस जगह पर है वो जगह बहुत ही जबरदस्त है, उस जगह का खरीदार हमें बआसानी मिल जाएगा और आपका कर्जा भी उतर जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी जायदाद होते हुए भी कर्जा नहीं उतार पाते। तो क्या आप कॉफी हाउस खरीदना चाहते हैं? मतलब ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, इस तरह मेरा और आपका काम आसान हो जाएगा। समझ गया समझ गया, आप अपनी रकम वापस लेना नहीं चाहते बल्कि कुछ और चाहते हैं।
आपका मकसद कॉफी हाउस खरीदना है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। चलो यहां से, चलो।